टाट पट्टी बाखल वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई, लंबे समय तक याद रखेंगे। इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए बुलाई गई है 5 कंपनियां। सर, आज की एक तो अपडेट, किस तरह की अपडेट है और जो कल घटना हुई उस पर किस तरह की कार्रवाई? कल की घटना में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोगों ने 5 कंपनी बल भी मांगा है, मेरे ख्याल से आज तक आ जाएगा। ये घटना को बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगी। जो भी डॉक्टर हमारे लगे हैं, जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, वो 18-18 घंटे का 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग इन डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, जैसे सरकारी जो बहुत स्ट्रेस में है मरीज वगैरह, तो इनके लिए हम लोग अलग से होटल भी लिए चारों तरफ के, उनके रुकने का इंतजाम भी करा रहे हैं। और इस तरह की बदतमीजी अगर डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होगी तो बहुत ही गलत बात है। और इसमें हम लोग उन्हें गिरफ्तार भी कर रहे हैं, उसे जेल जाएंगे और लंबा जेल में रहेंगे, ये जल्दी छूटने वाले नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं शहरवासियों से भी आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि जरा आपस में लोग बातचीत करके, और कहीं भी अगर इस तरह की कोई दुर्भावना की या किसी बदतमीजी की बातें होती हैं पैरामेडिकल स्टाफ से, तो लोगों को समझाएं भी। हम लोग तो सब कार्रवाई कर ही रहे होंगे, पर समझाई भी दें ऐसे लोगों को जो इस तरह के जो सेवाभावी लोग हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं। वहाँ जो हमारी आशा कार्यकर्ता थी, उसका नाम मैं जकी या फातिमा जकी ऐसा कुछ नाम था उसमें, बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता है हमारी, बहुत अच्छी मेहनत कर रही है उस क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे वर्कर्स में से एक वो है। उसको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, उसको पुरस्कार भी हम लोगों को देंगे। खूब मेहनत से काम कर रही है टाट पट्टी वाखल में। ऐसे लोग सर बदतमीजी को तो बिल्कुल भी शम योग नहीं है। सर, डेथ और पॉजिटिव की संख्या को लेकर क्या स्थिति है? अभी आज जो संख्या आई है उसके हम लोग क्वारंटाइन की कार्रवाई कर रहे हैं उसकी, और क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सैंपलिंग कर ली है, तो हम लोग चिंता इसमें नहीं है कि संख्या प्रतिदिन कुछ में बढ़ेगी कोरोना पॉजिटिव की, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उससे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको हम लोग क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन कर रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर रहे हैं। जो बहुत ही पास के लोग हैं, निकट के हैं, काफ़ी मिले जुले हैं, साथ में उठे बैठे हैं परिवार के लोग, उनको हमको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो कहीं अगर ऐसा है कि रोज़ मिलना जुलना नहीं था पर संपर्क के लिए लोग, तो उनको होम क्वारंटाइन भी हम लोग कर रहे हैं, और उनमें सिम्टम्स भी देख रहे हैं, जिसके सिम्टम्स हैं तो उनको फिर हम लोग फर्दर टेस्ट कर रहे हैं। बाकी ये भी मेरा आह्वान है लोगों से कि जो आज एक मुझे तबेला या कहीं की डेथ हुई है, उसमें बहुत लेट अस्पताल में आए थे वो। मैंने डॉक्टर से पूछा पूरा, उसकी इंक्वायरी की पूरी, वो बहुत लेट आए थे वो, और लेट आने की वजह से उनका जो ऑक्सीजन कंटेंट था वो 30% रह गया था। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई अस्पताल आएगा तो उसको बहुत मुश्किल होता है उसको क्राइसिस मैनेजमेंट करना। तो लोगों से ये भी आह्वान है कि जैसे ही आपको कुछ सिम्टम्स लगते हैं अस्पताल में आइए, इलाज होगा, 14 दिन में वापस चले जाएंगे, 14 डेज में ठीक होकर जाएंगे। आज जो पुराने पेशेंट्स थे हमारे, 20 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं, उनको डिस्चार्ज अभी से नहीं किया जा रहा, 2 नेगेटिव रिपोर्ट आएगी उनको डिस्चार्ज कर देंगे, मगर 20 पेशेंट्स हमारे लगभग ठीक हालत में इस समय हैं। तो इसमें कोई बचे ना इलाज करने के लिए, क्योंकि अगर आपने वृद्ध हैं, अगर आपको कोई अन्य बीमारी भी है और उसमें अगर आप इलाज में लापरवाही करेंगे, नहीं आएंगे अस्पताल, या बहुत हालत ख़राब हो जाएगी फिर पहुँचेंगे अस्पताल, फिर दिक्कत आ रही है जैसे कि मोती चमेला वाले केस में हुई है। तो मेरा अनुरोध ये भी है आप लोगों के माध्यम सभी को आप बताएं कि जैसे ही जैसे लक्षण दिखते हैं, सिम्टम दिखते हैं, इमीडिएट इलाज कराएं अपना। आप इलाज कराने आएंगे, डॉक्टर की सलाह मानेंगे, अस्पताल से नहीं भागेंगे, आप 14 दिन में ठीक होकर वापस चला जाएंगे घर को। सर जरूर, सर को लेकर क्या स्थिति है, लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, दान के लिए हमने नंबर दिया है, नगर निगम में व्यवस्था बनाई है हम लोगों ने, और नगर निगम में संदीप सोनी जी और आशीष सिंह जी देख रहे हैं इसको, और वहाँ नंबर हमने सोशल मीडिया पर दिया है, उनसे संपर्क करना है, संपर्क कर सकते हैं उनसे। वहाँ बहुत सामग्री आ रही है और जो भी हमारे दानदाता हैं, जो शहर में बहुत ही अच्छा माहौल है, काफ़ी मात्रा में दान, जितना दान देंगे उतना हम अनाज का वितरण करा देंगे शहर में। सर, अभी जो टीम जारी है स्क्रीनिंग के लिए, क्या उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी जाएगी? देखो, सुरक्षा तो रहेगी, जनता सहयोग भी कर रही है हमको, उनकी सुरक्षा दिक्कत नहीं है। तो कहीं ही लोकलाइज इंसिडेंट जैसे टाटपट्टी बाखल में हुआ, इसमें हम लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि लोगों को डर लगेगा आगे बदतमीजी करने के लिए, तो वो जरूरी है, क्योंकि हर जगह हम चाहेंगे 10,000 जवान के साथ में इन लोगों को भेजें, भाई अल्टीमेटली हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? वही लोगों के लिए कर रहे हैं ना, हमारे कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, अगर आप लोग बीच जा रहे हैं, SDM जा रहे हैं, ADM जा रहे हैं, SP एडिशनल SP जा रहे हैं, CSP जा रहे हैं, TIs जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? सभी जवान जा रहे हैं हमारे, जा तो जनता के स्वास्थ्य के लिए रहे हैं ना, रिस्क ले रहे हैं सब लोग, तो लोगों को समझना भी, लोग समझ भी रहे हैं इस बात को। कुछ कुछ जगह पर लोकलाइज इंसिडेंट हुआ था टाट पट्टी बाखल का, इसमें हम लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि लोग डरेंगे आगे से, इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं।